नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूरे मध्य प्रदेश में अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हितग्राहियों को अन्न के थैले वितरित किए गए। छतरपुर में भी किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा हितग्राहियों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उसके बाद उन्हें भी थैलों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ अन्नोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने गरीबों को तिलक लगाकर राशन वितरित किया। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि करोड़ों लोगों के पेट का सवाल है, इसलिए ये आयोजन किया गया। कोई गरीब राशन से वंचित न रहे और हर गरीब को उसका हक मिले, इसके लिए इस तरह के आयोजन का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी सचिन शर्मा, पूर्व मंत्री ललिता यादव, बैंक अध्यक्ष करुणेंद्र प्रताप सिंह, जीएम केएल रेकवार, एसडीएम अविनाश रावत, सीएमओ पाल सिंह भदौरिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित तमाम अधिकारी और नेतागण मौजूद रहे। पेट के सवाल को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कुछ जगह कुछ बातें आई कि कहीं छूट रहे हैं। अडहाक पर्चियाँ भी बना के दी गई, लेकिन फिर भी इसको एक त्योहारों की शुरुआत भारतीय परंपरा में राखी से होती है। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अन्न उत्सव के रूप में इस वर्ष के त्योहारों की शुरुआत की है और ये एक अच्छी शुरुआत है। जब सामूहिक रूप से बैठते हैं तो कई बातें ध्यान में आती हैं, हमारे भी ध्यान में आती है, हम आगे बात पहुंचाते हैं और सब जगह वो जानकारी आती है। हमारा आपके माध्यम से बस इतना ही कहना है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा बच रहा हो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि अढ़ाक पर्ची के माध्यम से सबका पेट भरे, कोई भूखा ना रहे। बहुत सारी अन्य भी योजनाएं हैं,